गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 4 में से थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है इम्प्रूविंग एजुकेशन सेक्टर। कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या कौन कौन से ऐसे इशूज हैं जो कि एजुकेशन सेक्टर में है और जिन पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर एजुकेशन सेक्टर को सुधारना है तो इन बेसिक पॉइंट्स पे काम करना या इनको सुधारना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इजी सा है बिल्कुल, स्टोरी तरह, और ये इजी टॉपिक है। अगर बाय चांस कोई पॉइंट याद ना भी आए तब भी आप एग्जाम्स में लिख सकते हो अपने। ओके, सो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि व्हाट आर द एफर्ट्स बीइंग मेड एट नेशनल लेवल टू अचीव द गोल्स ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। कि कौन से ऐसे एफर्ट्स हैं जो कि नेशनल लेवल पे लिए जा रहे हैं शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए। या ऐसे आ सकता है कि व्हाट डू यू नीड टू चेंज अबाउट द इंडियन एजुकेशनल सिस्टम या इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, या ऐसे आ सकता है कि एक्सप्लेन व्यूज थॉट्स ऑन इम्प्रूविंग द एजुकेशन सिस्टम। काफी इजी टॉपिक है, लेकिन आप सबने कहा था कि थर्ड फोर्थ यूनिट नहीं कराइए, तो करते हैं ये भी। ओके, सो जैसे हम सबको पता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं, और सभी को पता है इसके बारे में। जैसे करप्शन बहुत बड़ा चैलेंज है, फीस प्राइवेट इंस्टीट्यूट में फीस बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी भी एक चैलेंज है कि जो गरीबी कारण कई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते या सक्षम नहीं हो पाते कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। देन है सिलेबस भी बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि हमारे सिलेबस में स्किल नहीं सिखाई जाती है, थ्योरी सिखाई जाती है, और बाद में क्या है 10th या प्लस 2 करने के बाद भी बच्चों को अलग से स्किल सीखनी पड़ती है। आईटी कहने को आईटी है, लेकिन प्लस 2 के बाद बच्चों को अलग से भी कंप्यूटर सीखना पड़ता है, इवन बेसिक कई बार बच्चों को नहीं आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा कारण है। कई सरकारी स्कूल अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे नीचे बैठ के पढ़ाई होती है, चाहे बच्चे की स्थिति कैसे भी हो, बच्चे को चाहे कोई डिफरेंटली एबिलिटी हो, फिर भी उनको नीचे ही बैठना पड़ता है। ठीक है, आप गांव में जा सकते हो, आप शहरों में भी जा सकते हो, अभी भी क्या है चटाई का यूज होता है उन्हें बैठाने के लिए। ये तो कुछ है, और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। जब आप रियल लाइफ सिचुएशन में जाओ तो आप खुद भी देख सकते हो कि स्कूलों में क्या क्या बेसिक इश्यूज या चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो कौन कौन से एफर्ट्स हो सकते हैं जिससे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जा सकता है? तो ये है रिवॉर्ड क्रिएटिविटी, ओरिजिनल थिंकिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन पे ध्यान देना चाहिए, फोकस ऑन स्किल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान दिया जाना चाहिए, रीडिफाइन द गोल एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन, क्योंकि अभी का पर्पस क्या है, एजुकेशनल पर्पस वो जॉब पाना है, स्किल्स बहुत कम है। इवन अपनी बात ले लो, हमें भी बिल्कुल स्किल नहीं थी, हमें भी प्लस टू के बाद या कॉलेज के बाद इवन आईटी का कोर्स अलग से करना पड़ा था। कंपलसरी फ्री एजुकेशन होना चाहिए सभी के लिए, जो कि नहीं है, मतलब फिर भी 6 to 14 ईयर्स है, और उसमें भी सभी बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता स्कीम के अंदर। कंट्रोल ऑन फीस ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, फीस भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बहुत ज्यादा फीस होती है, तो जिनके माँ बाप उतने सक्षम नहीं है, जो फैमिली इतनी सक्षम नहीं है, वो अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ा पाती है, बेसिक एजुकेशन भी नहीं दे पाती है। ओके, तो फीस भी क्या है एक बड़ा इशू है, और इसे भी ठीक करना बहुत जरूरी है। देन है सिलेबस में चेंज लाना, और किस तरह से सिलेबस या करिकुलम डिजाइन किया जाए, उसमें स्किल एजुकेशन या वोकेशनल एजुकेशन को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, जो कि नई पॉलिसी में, एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि बच्चों को 6th क्लास से वोकेशनल कोर्स की ट्रेनिंग देंगी या उन्हें इंटर्नशिप करनी होगी, तो वो बहुत अच्छा स्टेप है। देन है सैलरीज ऑफ टीचर, तो सभी को पता है ये बात कोई पुरानी नहीं कि प्राइवेट फील्ड में टीचर्स की सैलरी इवन एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम है। फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरे भी कई दोस्त हैं, उनकी सैलरी अभी भी 12,000-13,000 इतनी ही है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो, और 13,000 में एक मास्टर किया हुआ टीचर को 13,000 में पढ़ा रहा है, तो उसका कितना मोटिवेशन आएगा, वो किस लेवल पे पढ़ाएगा, क्योंकि पैशन होता है टीचिंग में, पर फिर भी मनी तो इम्पोर्टेंट है यार, क्योंकि टीचर की भी फैमिली होगी, उसे भी अपने बच्चों को पढ़ाना, उसे भी अपनी फैमिली को आगे लेके जाना है। या टीचर्स की जो सैलरी है वो बहुत मायने रखती है, और यहाँ पे भी सुधार लाने की जरूरत है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई प्रावधान हो कि टीचर्स की सैलरी या एक पर्टिकुलर स्किल्ड पर्सन की बेसिक सैलरी इतनी होनी चाहिए। फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कई बार फंडिंग भी अच्छी होती है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उतने अच्छे से नहीं बन पाता, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा है, तो इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, अभी भी बच्चे बहुत स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में भी अभी भी नीचे बैठ के पढ़ते हैं। टीचर स्टूडेंट रेशियो को भी सुधारने की जरूरत है। ओके, सो इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। तो रिवॉर्ड क्रिएटिविटी, ओरिजिनल थिंकिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन, तो इसके लिए काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन होगा तो बच्चों में अपने आप स्किल्स आएंगी, और अगर कोई बच्चा ऐसी स्किल्स है जिस बच्चे में उनको रिवॉर्ड करना, उन्हें मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक्सपीरियंशियल मोड ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, ताकि बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो और अच्छे से हो सके, और उनमें
ओरिजिनल थिंकिंग आए, वो रोट लर्निंग से थोड़ा उन्हें दूर करने की जरूरत है। पूरे साल क्या होता है, कई बच्चे नहीं पढ़ते हैं और लास्ट में बस खाली थ्योरी पढ़ के एग्जाम दे देते हैं, तो उनको क्या है प्रैक्टिकल नॉलेज उतनी नहीं होती है। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए, सिलेबस ऐसा होना चाहिए जो उन्हें पूरे साल अच्छी चीजें सिखाएं और प्रैक्टिकल नॉलेज दे उन्हें, ताकि वो जब एजुकेशन करके निकले तो उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज हो लाइफ की। और रोट लर्निंग को जितना कम हो सके उतना कम किया जाना चाहिए, बच्चों को एक्सपीरियंशियल मोड ऑफ लर्निंग देना आजकल बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि रीडिफाइन द गोल एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो हमें सभी को पता है कि इंडिया में क्या है, 25% इंजीनियर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, और कितना इनोवेशन या कितनी रिसर्च होती है उसके अकॉर्डिंग बहुत कम है। ठीक है, कई बार क्या होता है जो इंजीनियर्स होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे सोसाइटी में, माँ बाप के प्रेशर से हमें कुछ कोर्स करने पड़ते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। अब जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा वो बिना इंटरेस्ट के पढ़ा जाएगा और उसमें काम करने में मजा नहीं आएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, तो बच्चा एक ही मोटो से पढ़ेगा कि उसे हर सेमेस्टर या हर ईयर में पास होना है। ठीक है, तो इसलिए बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो पढ़ने दो। तो एक रिसर्च के मुताबिक क्या है कि 15 लाख इंजीनियर्स हर साल ग्रेजुएट होते हैं और इंडिया में मोर देन 6,000 इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग के। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, मास प्रोडक्शन होता है, सभी को जॉब नहीं मिल पाती, डीमोटिवेशन आता है और बहुत से लोग अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार होते हैं। ओके, तो जिसका जो इंटरेस्ट है, बच्चे को आर्टिस्ट बनना है, रिसर्चर बनना है, एजुकेटर बनना है, थिंकर बनना है, राइटर बनना है, वो उनके इंटरेस्ट के बेस पे होना चाहिए। अगर बिना इंटरेस्ट के आप बच्चों को कुछ पढ़ाओगे तो वो नहीं पढ़ेंगे और फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहेगा और फिर वही होगा कि पढ़ाई करके जॉब नहीं मिलती। जॉब कहाँ से मिलेगी, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे ने अपने पूरे कोर्स में वो चीजें सीखी ही नहीं है जो कोर्स में है ऑलरेडी। तो इसलिए जो एजुकेशन का गोल एंड पर्पस है वो चेंज करना या डिफाइन करना बहुत जरूरी है। फोकस ऑन स्किल एजुकेशन, जैसे हमने पहले ही बात करी कि स्किल एजुकेशन बहुत कम है, क्रिएटिविटी बहुत कम है, बच्चों को स्किल्स नहीं आती हैं, बिल्कुल भी स्किल्स नहीं आती हैं। बहुत कम बच्चे होंगे, बहुत कम परसेंटेज होगी बच्चों की जिन्हें स्किल्स आती हो। तो हमारे एजुकेशन में स्किल की कमी बहुत ज़्यादा है, भेड़ चाल है या रैट रेस कह सकते हो कि बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जाने की डिग्री लेनी है लेकिन स्किल्स नहीं है। ठीक है, तो वोकेशनल एजुकेशन पे काम करना या व्यवसायिक पढ़ाई पे या शिक्षा पे काम करना बहुत जरूरी है, और जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी में NEP 2020 में इंक्लूड की गई है कि 6th class से वोकेशनल एजुकेशन या ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो ऑन द पेपर कितनी अच्छी होती है वो देखने वाली बात है, फ्यूचर में सभी को पता चलेगा कि कितना सक्सेसफुल है ये नया एजुकेशन प्लान। ओके, तो स्किल एजुकेशन पे फोकस करना बहुत जरूरी है ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज आए और उन्हें और उनमें स्किल्स हों। ठीक है, ताकि वो बेसिक एजुकेशन, उन्हें अगर 10th के बाद नहीं पढ़ना है, 2 के बाद नहीं पढ़ना है, तो उसी के बेस पे वो कोई काम कर सकें। ठीक है, चलो देन है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तो है ही, 6 to 14 ईयर्स RTE के तहत हमारा मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। लेकिन क्या है, ये बहुत अच्छे से अप्लीकेबल नहीं हो पाता है, या यूं कह लो जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है तो सभी तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि 12th तक की पढ़ाई, 12वीं तक की पढ़ाई फ्री कर सकते हैं। तो सभी बच्चे क्या है, इवन 12वीं तक या 2 तक तो फ्री पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, उसमें किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कास्ट पे, रिलीजन पे, रेस पे, क्रीड पे, किसी सोशल या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के तहत सभी बच्चों को एक जैसा हक मिलना चाहिए और सभी बच्चे 2 तक की पढ़ाई, अपनी 12वीं तक की पढ़ाई फ्री कर सकें। ठीक है, पर इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, हमारा देश बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन है, देन बहुत सारे इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। ओके, क्योंकि कई बार क्या है, स्कूल में एडमिशन हो जाता है, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उन्हीं के साथ उनकी यूनिफॉर्म, बुक्स का खर्चा, फूड का खर्चा, ये सभी इंक्लूड हो जाते हैं, और फिर माँ बाप को लगने लगता है कि बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है और वो पढ़ाई बीच में छुड़वा देते हैं। ठीक है, ड्रॉप आउट रेट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि स्कूल भेजना तो अलग बात है लेकिन बुक्स पे, स्टेशनरी पे बहुत खर्चा होता है, इवन ट्रैवलिंग करके जाएगा बच्चा तो उस पर भी खर्चा होगा, स्कूल अगर दूर है। तो ये सभी चीजें हैं जिनको सुधारना बहुत जरूरी है ताकि सभी बच्चे 2 तक की पढ़ाई आराम से कर सके। ओके, और इसमें ये होना चाहिए कि जो पर्सन, जो इंडिविजुअल, जो फैमिली अफोर्ड कर सकती है, उन्हें स्कीम का फायदा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर यार आपके पास पैसे हैं, आप गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है उस स्कीम की उसे पहले लेने दो। ठीक है, अगर कोई फैमिली अपने बच्चे के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है इजली, तो आई थिंक उसे स्कीम्स की जरूरत नहीं है, और उन्हें दूसरे लोगों के लिए जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है उनके लिए हमें छोड़ देना चाहिए। ठीक है, बाकी ये टॉपिक्स बहुत डिबेट वाले हैं तो हम बस आउटलाइन लेंगे कि क्या क्या हो सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट है कि कंट्रोल ऑन फीस ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है, इसे भी सुधारना बहुत जरूरी है।
क्योंकि गवर्नमेंट सीट्स बहुत कम है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूट्स में, तो यहाँ पे क्या है प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और कई प्राइवेट सेक्टर में या कई प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा फीस है या डोनेशन मांगा जाता है, और वहीं पे क्या है जो गरीब घर का बच्चा है वहाँ तो फिर बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि MBBS में देख लो, इंजीनियरिंग में देख लो, या बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फीस लगती है, 20 to 25 लाख, 40 लाख, 50 लाख, मतलब डिपेंड करता है कि सीट कितनी बची हैं, वो इंक्रीज कर देते हैं। ओके, तो इसमें क्या है गवर्नमेंट का थोड़ा रेगुलेशन होना चाहिए कि फीस इतनी ज़्यादा ना हो, और तो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिलीज हैं उनके बच्चे भी आराम से प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ सकें। ओके, चलो, सिलेबस में चेंज लाना या वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ाना बहुत जरूरी है, करिकुलम को चेंज करना बहुत जरूरी है, लर्निंग बाय डूइंग को इंक्लूड करना या एक्सपीरियंशियल मोड ऑफ लर्निंग को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चों की स्किल्स इंक्रीज हो, बच्चों को उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, और जो लर्निंग है पूरी इसी पे डिपेंड हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा बच्चों में स्किल्स आएंगी और बच्चे आगे चल के कोई भी अपने इंटरेस्ट का काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में क्या है बस प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे ही जॉब लगने वाली है, जिसको जितनी अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज है उसे जॉब मिलना बहुत आसान हो जाएगा। तो बच्चों में एक्सपीरियंशियल मोड ऑफ लर्निंग को इंक्लूड करना चाहिए, और ऐसे नए मेथड्स टीचिंग के ढूंढने चाहिए जिससे कि बच्चों के स्किल्स इंक्रीज हो और उन्हें कोई भी काम करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि सैलरी बहुत कम है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में टीचर्स की सैलरी बहुत कम है। ठीक है, तो ये क्या है उनके मोटिवेशन को, उनके जो पैसन है टीचिंग का उसको कई बार ओवरकम कर देता है। ठीक है, पैसन कब तक काम देगा यार, सैलरी भी जरूरी है, फैमिली जरूरी है ना, क्योंकि अच्छी सैलरी होगी तो आप अच्छे से रहोगे, आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाओगे। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सभी को पता है कि सैलरी बहुत कम है और जॉब सिक्योरिटी उतनी नहीं है, और अभी तो क्या है बिल्कुल कोविड के टाइम में टीचर्स की जॉब बहुत ज़्यादा कम हुई है, या बहुत ज़्यादा उनकी सैलरी पे फर्क पड़ा है। और विद ड्यू रिस्पेक्ट, कई बार क्या होता है गवर्नमेंट जो रिटायर्ड टीचर होते हैं उन्हें दोबारा लगा लेते हैं, तो वो तो ऑलरेडी यार कमा चुके हैं अपनी बच्चों के लिए, अपनी जनरेशन के लिए, तो जो नई जनरेशन है उन्हें मौका देना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप रिटायर्ड पर्सन को बार बार लगाते रहोगे तो नई जनरेशन को कहाँ से मौका मिलेगा, नई जनरेशन की एज निकलती रहेगी फिर, है ना। जॉब में कितनी मारा मारी होती, कितना कंपटीशन है सभी को पता है, जब KVS के फॉर्म या TA SSB के फॉर्म निकलते हैं तो कितनी वैकेंसीज होती हैं, उससे कई गुना ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं। ठीक है, तो कितना कंपटीशन है, और आप तब भी आप रिटायर्ड पर्सन को लगाते रहोगे तो वो उतना ठीक नहीं है। ठीक है, नई जनरेशन को मौका देना जरूरी है, और टीचर्स एजुकेशन को भी अच्छा करना बहुत जरूरी है। BEd कैसे होती है सभी को पता है, BEd में क्या क्या खामियां हैं, नॉन अटेंडिंग है, चलो नॉन अटेंडिंग है नो प्रॉब्लम, लेकिन नकल मार के पास होना कोई अच्छा टीचर का गुण नहीं है। आप खुद नकल मार रहे हो तो बच्चों को आप फ्यूचर में जाके आप क्या सिखाओगे। तो जो टीचर बिल्कुल नकल मार के पास हुआ है वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, और बच्चे का क्या फ्यूचर होगा वो आप सोच सकते हो। आप सभी ने BEd के एग्जाम दिए हैं, और फाइनल ईयर एग्जाम में कैसे नकल होती है सभी को पता है, सभी इंस्टीट्यूट में नहीं होती, मैं पहले कह रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा चीटिंग या ये सब बहुत कॉमन है BEd एग्जाम में। और टीचिंग में स्मार्ट क्लासेस या नई टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना, ताकि जो टीचर्स हैं ऑलरेडी वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो सकें, अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को और अच्छे से पढ़ा सकें। चलो, फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है बिल्कुल बेसिक चीज़ है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो बच्चे कहाँ पे पढ़ेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना, मैन पावर बढ़ाना, फैसिलिटीज बढ़ाना, ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज करना, हॉस्टल्स बढ़ाना ताकि बच्चे वहाँ रह सकें अगर दूर के बच्चे हैं, टीचिंग एड्स बढ़ाना, जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो भी ICT टूल्स हैं, असिस्टिव एड्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें इंक्रीज करना या उनका स्टैंडर्ड बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जब आपके पास सभी मूलभूत सुविधाएं होंगी, तब आप अच्छे से पढ़ सकते हो, और अगर आपको कोई भी ज़रूरत है तो आप उसको यूज करके अपनी टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस इंक्रीज करते हो कर सकते हो। ठीक है, और टीचर, ये सभी टूल्स क्या हैं टीचर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कोई प्रैक्टिकल कराना है बायोलॉजी का और सभी चीज़ें हैं, तो लर्निंग बाय डूइंग बहुत अच्छे से होती है, एक्सपीरियंशियल मोड ऑफ लर्निंग बहुत अच्छे से होती है। पीपल टीचर रेशो जैसे RT के तहत क्या है 2009 के तहत कि जो प्राइमरी लेवल है उस पर 30:1 का रेशो है, और अपर प्राइमरी लेवल पे 35:1 का रेशो है। ठीक है, तो इससे क्या है टीचिंग इफेक्टिव होती है, और अगर किसी क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो फिर सभी को मैनेज करना या सभी पे ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप खुद भी एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आपके पास ज़्यादा बच्चे हैं तो आप सभी पे उतने अच्छे से ध्यान नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो पीपल टीचर रेशो को इतना रखना कि जो मैनेजमेंट है टीचर के द्वारा, जो क्लास में मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो सके और सभी बच्चों पे प्रॉपर ध्यान दिया जा सके। ठीक है, तो ये थे बेसिक पॉइंट्स। इसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कत है यार, ऑन द वे पर बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, बहुत सारे
इशूज हैं, चैलेंजेस हैं जिन पे काम किया जा सकता है। तो ये बेसिक थे, अगर आप कोई पॉइंट भूल भी जाओ तो अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, क्योंकि सभी को पता है बेसिक दिक्कतें क्या हैं, इशूज क्या हैं एजुकेशन सेक्टर में, और किसको हम इम्प्रूव करके अपना एजुकेशन सेक्टर सुधार सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अप्लाई कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।